काम तो रुकने वाला नहीं है। मैं कल आपको लेके गया था यहाँ पर 11 नंबर के जो बर्गर, अंडे वाला बर्गर के ऊपर, उससे पहले मैंने आपको अल्फजर का जो है पूरा प्रोसेस दिखाया था। ये काम तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि फराज अहमद ऑफिशियल फराज अहमद मैंने तो ठान लिए कि हैदराबाद के जो मेरे लोग हैं, हैदराबाद के जो मेरे भाई हैं, उनके हाथों का जो जायका है, मैंने कोशिश करनी है कि मैंने आपको टोटली ब्रीफ करना है और मैं पीछे नहीं हटने वाला। इसमें क्या चाहिए मुझे, आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए, मेरे साथ आपने रहना। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ बिल्कुल एक स्पेशल जगह पर, जहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ मिलती है, इसकी बिल्कुल लतीफाबाद नंबर 11 की एग्जैक्ट लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ जी। हाँ, यहाँ पर नली बिरयानी का एक स्टॉल है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शॉप है उनकी, मैंने आपको वो विजिट करवाना, मेरे साथ आपने रहना, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ फराज अहमद हाजिर की तरफ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, महफूज होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, प्रॉपर ब्रीफ किया जाएगा, मेरे साथ रहेगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको इस वक्त यहाँ की नाइट बीफ नली लोटर बिरयानी है लतीफाबाद नंबर 11 की लोकेशन पर, तो मेरे साथ आपने रहना है, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ी सी चेंजिंग है, बिरयानी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, हर एरिया में चाहे वो 11 नंबर हो, चाहे वो 8 नंबर हो, 7 नंबर हो, हैदराबाद की बिरयानी आप किसी भी एरिया में चले जाएं फेमस है जनाब, और यहाँ के लोग जो पसंद करते हैं वो डिफरेंट बिरयानी वगैरह है यहाँ पर, तो मेरे साथ आपने रहना है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक स्पेशल बिरयानी की तरफ, यहाँ नली बिरयानी जो यहाँ पर लतीफाबाद नंबर 11 की एग्जिट लोकेशन पर मौजूद है, वो दिखाते हैं आपको कि प्रोसेस क्या है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो मैं आपको ले आया हूँ जी बिल्कुल नाइट की नली बिरयानी लतीफाबाद नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो यहाँ देखें, यहाँ पर जो हजूम है, ये हजूम आपको बता रहा होगा कि यहाँ पर जायका कैसा है इनकी बिरयानी में। और एक स्पेशल चीज़ है कि नाइट बीफ नली बिरयानी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक्त बिरयानी जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो नली बिरयानी है वो किस कंडीशन में और किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। बिल्कुल आवाम जो है यहाँ पर जोक दर जोक पसंद कर रही है इनके जायके को। जी हाँ, हकीकत है यहाँ पर जो इनके ऑनर हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जो पब्लिक है मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनके जायके में ऐसी क्या बात है कि लोग यहाँ पर रश में जो है वो मौजूद है और लोग जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और अपना इस जायके को जो है वो चखने के लिए यहाँ पर मौजूद। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं इनके ऑनर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली भाई, कितने अरसे से आप ये नली बिरयानी यहाँ पर सेल कर रहे हैं? सर काम करते हुए तो मुझे कम से कम 9-10 साल हो गए, पर इस इलाके के अंदर जो है ना मुझे साल हो गया, एक साल हो गया है। अच्छा, क्या डिफरेंट चीज़ है कि लोगों का हजूम यहाँ पर बढ़ता हुआ है और जो लोग जो है पसंद करते हैं जायके को? मकसद एक तो मेरा गोश्त अच्छा है, जानवर अपना काटता हूँ, और दूसरा जो है ना गोश्त में रवाज है, गोश्त है, सॉफ्ट है, अच्छा है गोश्त मेरा। अच्छा, इसके अलावा चावल भी अच्छा है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि इशूज़ होते हैं, तो उनके मुकाबले में आपको जितना अरसा हुआ यहाँ पे गुजरा है, तो जितनी जल्दी से आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, इसकी वजह क्या है? भाई वैसे तो काफ़ी लोगों के पेट में दर्द है ना, बड़े बड़े किंग बैठे हुए हैं, मकसद वो समझ रहे हैं, इसको साल हुआ इधर आए हुए, और नाइट बीफ नली बिरयानी मकसद ये एकदम पता नहीं कैसे फेमस हो गया, तो माशाल्लाह मेरी बिरयानी भी अच्छी है और हैदराबाद में लाने वाला ही मैं हूँ नाइट बीफ नली बिरयानी। नाइट बीफ नली बिरयानी लाने वाले आप हैं हैदराबाद में? अच्छा, हैदराबाद काफ़ी शाखें खुल गई आपकी यहाँ पर, इसके अलावा कोई ब्रांचेज और भी हैं? नहीं, मेरी एक ब्रांच दूसरी है हीराबाद अल्लाह वाले चौक पर, हीराबाद अल्लाह वाला चौक। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएगा कि रेट लिस्ट क्या है आप लोगों की, कोई पाव या प्लेट का हिसाब है? रेट लिस्ट मेरा जो है ना 90 रुपये पाव है, 360 रुपये किलो है। बेसिकली जो लोग आते हैं मकसद वो पाव भी खाते हैं, डेढ़ पाव भी खाते हैं, आधा किलो भी खाते हैं, थाल भी होता है हमारा, थाल सिस्टम भी है, नली भी उसी के अंदर होती है, बहुत से लोग नली ऊपर से लगा देते हैं, ये सिस्टम है सारा। ठीक है जनाब, वाली भाई आपका मैंने वक्त लिया, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ के ऑनर अली भाई मौजूद थे, इनसे हमने बात की, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि इनके जायके में ऐसी क्या बात है जो लोग जोक दर जोक इस जायके को पसंद करते हैं और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जायका चखने के लिए आते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर इस वक्त लोडर बिरयानी पर, नली बिरयानी पर बिरयानी खाने के लिए या लेने के लिए आए, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिक है। आदिक भाई, आप पहले भी यहाँ पर आते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साल से आ रहा हूँ इधर, एक साल हो गया इनको ओपनिंग किए हुए भी एक साल हो गया है। अच्छा, क्या खास बात है कि बार बार आना यहाँ पर हो रहा है, कोई वजह है इसकी? बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पूरे शहर से लोग आते हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं,
अच्छा इस वक्त लतीफाबाद नंबर 11 की एग्जिट लोकेशन पर मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो रश है आवाम का हजूम है, और यहाँ पर वो रश बता रहा है कि इनके जायके में जान है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा आप एक साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई शिकायत, कभी किसी किस्म का कोई मसला? माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी होती है, एक नंबर गोश्त होता है इसका। आप प्रेफर करेंगे पब्लिक को? जी मैं बोलता हूँ, आपको बोलूँगा रोज आए इधर खाने। एड्रेस बताइएगा, एग्जिट जो एड्रेस है वो आप खुद बताइएगा। 11 नंबर में सकीबा प्लाजा के नीचे ये दुकान है, नाइट पीस कंडी ऑर्डर बिरयानी के नाम से है। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। हमारे साथ यहाँ पर दीगर कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि हम बात करें, उनकी राय लें कि वो क्या कहते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। साथ यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर लोडर बिरयानी जो है वो चखने के लिए या लेके जाने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? अवैध भाई, पहले भी आप लोग यहाँ पर आते हैं या फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आना हुआ? बहुत दफ़ा आते हैं, बहुत दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा क्या वजह है कि बार बार यहाँ पर आना होता है इस तरफ? वजह ये है कि इनकी बिरयानी बहुत मज़ेदार भी है, और बार बार ये कि घर वालों को भी बहुत पसंद है इनकी बिरयानी, उनके लिए हवाले से भी आते हैं, हम खुद भी खाने आते हैं। और एक दफ़ा नहीं कि बार हम आते हैं बिरयानी खाने, तो उनकी बिरयानी का रेट मुनासिब है, तो उनकी बिरयानी तकरीब पर काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो आप इस वक्त घर के लिए खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर या खुद खाने के लिए? खाने भी आया हूँ और खाने भी आया हूँ। ठीक है अवैध भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई मौजूद थे। तो जनाब ये सिचुएशन है यहाँ पर, नाइट बीफ नली बिरयानी लतीफाबाद नंबर 11, एक जो लोकेशन यहाँ पर सकीबा प्लाजा के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर जो कंडीशन है मैंने आपको दिखाई, मेरे साथ रहिएगा। ये सिचुएशन है यहाँ पर नाइट नली बिरयानी के, इस वक्त मैं स्टॉल पर मौजूद हूँ लतीफाबाद नंबर 11 के। मैंने आपको बिरयानी दिखाई, मैंने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ओपिनियन लेने की कोशिश की कि वो लोग यहाँ पर बाहर क्यों आते हैं, और इनके जायके में क्या डिफरेंट चीज़ है, इनकी बिरयानी में क्या डिफरेंट चीज़ है। तो जो एक चेंज चीज़ है वो आप लोगों को बताने की कोशिश की मैंने। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा पूरे हैदराबाद में बिरयानी को पसंद किया जाता है, हैदराबादी जो है वो बिरयानी को पसंद करते हैं, मुझ समेत अगर मैं अपनी बात भी करूं। मगर एक यूनिक चीज़, एक चेंज चीज़ आपको दिखाने का मकसद मेरा काम है, इंशाल्लाह हैदराबाद के लोग, मेरे अपने लोग, उनके हाथों का जो जायका है उनको प्रमोट करना, उनको पूरी दुनिया में मंजर आम पर लेके आना, उनकी प्रमोशन करना, जी हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करना। मैं बार बार कह दूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कि फराज भाई पेड प्रमोशन, मैंने कहा पेड प्रमोशन नहीं है जनाब, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन है। मैं करता रहूँगा, मेरा काम जो है मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में फिर ज़रूर मुलाकात होगी आप लोगों से। अपनी सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, आप सब लोगों की मोहब्बत का।